बहराइच से बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले ने SC ST एक्ट पर मोदी सरकार और योगी सरकार पर ही कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जिनसे बात की हमारे संवाददाता सईद आमिर हुसैन ने। बहराइच से सांसद बीजेपी की सावित्री जी हमारे साथ में हैं। मैम, जिस तरह से आप मांग उठा रही हैं SC ST को लेकर के, नाराजगी साफ तौर पे दिख रही है सरकारों के खिलाफ, और मोदी सरकार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आप क्या कहना चाहेंगी, मांगे क्या क्या? देखिए, आज पूरे देश में बहुजन समाज के साथ में लगातार घटनाएं घट रही हैं, लगातार अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिसका जीता जागता हुआ प्रमाण आप सबको टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है। मैं तो मांग करना चाहती हूं अपने अनुसूचित जात और पिछड़ी जाति के सांसदों के से कि लोकसभा में सारी चर्चा को रोक करके और अनुसूचित जात और पिछड़ी जाति के ऊपर जो हो रहे अन्याय, उस पर चर्चा करा करके और कठोर कानून बना करके और नवी सूची में डाली जाए, जिससे अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अन्याय ना हो सके। तो आपको लगता है कि अन्याय जो है मोदी सरकार में हो रहा है और योगी सरकार में हो रहा है? मैं समाज सेवी हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को सरकार को मैं आगाह करूँ, और चाहे वो धरने के माध्यम से, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से, चाहे आंदोलन के माध्यम से, चाहे प्रेस मीडिया के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मैं सरकार को आगाह करना चाहती हूँ कि जो बहुजन समाज के ऊपर देश में 85% समाज है, जो इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट देने का काम करता है, आज उन्हीं समाज के लोग भुखमरी के कगार पर है। मिलाकर के सावित्री बाई फुले, जो की बहराइच से सांसद है, बीजेपी के सांसद है, और लगातार मांग उठाती रही है SC ST को लेकर के, आज भी ये कह रही है कि सरकार इनकी सुन नहीं रही है और सरकार को ही सुनना होगा अगर सरकार SC ST को साथ में लेकर चलना चाहती है। जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।